सो नाउ विल टॉक अबाउट मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसके जो कॉज है वो डी नोवो है या माइल्ड है। डी नोवो का मतलब है कि शुरुआत से हम मतलब पहले से हाइपरटेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले एकदम से मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गया, या फिर माइल्ड हाइपरटेंशन हमें पहले से थी, मतलब हल्की हल्की बीपी हमें की प्रॉब्लम हमें रहती थी लेकिन अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गया। दोनों कॉजेज हो सकते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है वो उसमें जो ब्लड प्रेशर है जैसे सिस्टोलिक है वो 200, डायस्टोलिक 120 mmHg, ये जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए। देन पैथोजेनेसिस की अगर बात करें, अब हमें पता है कि हाइपरटेंशन है तो मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि एंडोथेलियल इंजरी, इतने प्रेशर से, इतने ज़्यादा प्रेशर से जो ब्लड है वो कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में आ रहा है कि एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है। एंडोथेलियल क्या है? एंडोथेलियल जो अंदर की लाइनिंग है, ठीक है, ये वाली जो लाइनिंग होती है इसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं और उसकी इंजरी हो जाती है क्योंकि ऑफ द प्रेशर। देन उसकी वजह से इंजरी अगर हो गई, एक सेल है उसमें इंजरी हो गई तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई, उसके अंदर ब्रेक्स हो गए, वो टूट गई तो अंदर से परमेबिलिटी, एक दरवाज़ा था उसके अंदर छेद हो गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंजरी, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई। अब कुछ भी हम सामान आर पार करवा सकते हैं तो परमेबिलिटी बढ़ गई, उसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रिनोजन, एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, और भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो आ जाती हैं और प्लेटलेट्स आ जाते हैं बिकॉज क्योंकि इंजरी हुई है तो प्लेटलेट आएगा, वो प्लग बनाएगा तो आके प्लेटलेट अपना प्लग बना देता है। फिर फाइब्रिन भी है हमारे पास। अब प्लेटलेट प्लग मतलब प्लेटलेट्स आ गए, वो क्या करेंगे कि वो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स को सिक्रीट करवाएंगे। अब जब ये चीज़ें सिक्रीट होती है तो क्या होता है, इंटीमा है हमारी यहाँ पे, उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, इंटीमल हाइपरप्लेजिया ऑफ वेसल ये हो जाता है। उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, मतलब नंबर बढ़ गया और हार्डनिंग हो गई आर्टेरियोल्स की। अब जैसे इंटिमा है वो पहले ऐसी थी लेकिन अब ज़्यादा ज़्यादा होने की वजह से वो ऐसी हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ल्यूमेन जो है मतलब अंदर स्पेस जो है जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था वो वाला जो पार्ट है वो नैरो हो गया, वो कम हो गया। अब नैरो अगर हो गया तो फिर इसका मतलब है कि इस्कीमिया हो गया, वो वाले रीजन पे ब्लड कम जा रहा तो इस्कीमिया होगा। अब जब इस्कीमिया होगा तो फिर क्या होगा, अब जैसे इस्कीमिया है डीसीटी में कम ब्लड पहुंचा तो डीसीटी को तो लगेगा कि ब्लड प्रेशर कम है, तो वो क्या करेगा, रेनिन, वही हमने जो पिछली वीडियो में किया था, रेनिन एंजियोटेंसिन का जो सिस्टम था उससे मतलब रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन बनाएगा और एंजियोटेंसिन वीजो कंसिक्ट कर क्या करेगा कि ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देगा। तो इस तरीके से पहले ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, उसकी वजह से ये सब शुरू हुआ और फिर जाके एंड में फिर से ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो प्लेटलेट हमने यहाँ पे बात की हुई है, अपेयरेंस ऑफ फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस, ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है वो डिपॉजिट हो जाता है वॉल ऑफ द ब्लड वेसल के अंदर अलॉन्ग विद सम फाइब्रिन। यहाँ पे तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे जो प्लेटलेट प्लग और ये ग्रोथ फैक्टर्स और हाइपरप्लास्टिक ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो इस तरीके से वो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही वो चीज़ बना देते हैं क्योंकि हमने बोला अपेयरेंस है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस की तरह। तो फाइब्रिन क्योंकि फाइब्रिन भी है और फाइब्रिनॉइड हम तब बोलते हैं जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना हो तो उसकी तरह बिल्कुल लगता है। अब मॉर्फोलॉजी में है कि अगर जो हमारी किडनी है ना वो नॉर्मल भी रहती है कुछ केसेस में श्रंक हो जाती है, ठीक है, बिकॉज इस्कीमिया हो गया उसमें और भी दिक्कतें आती हैं। जैसे ये ब्लड वेसल थी और हमने बोला कि एंडोथीलियम में इंजरी हुई, जब एंडो ये देखो मान लो ये था, अब ऐसे हो गई एंडोथीलियम, इंजरी हुई, बीच में गैप पड़ गया, अब वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था वो यहाँ से वॉल्स के अंदर जाने लग गया, मतलब लीक होने लग गया ब्लड। अब उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हेमरेज बनना शुरू हो जाएंगे, अब यहाँ जगह जगह पे हेमरेज बनने शुरू हो गए, ठीक है, हल्के हल्के, तो दैट इज़ नोन एज पिन पॉइंट हेमरेज। नेक्स्ट है फ्ली बिटन अपेरेंस। फ्ली बिटन अपेरेंस, फ्ली जो अगर काट देती है वैसा अपेरेंस, अगर जैसे ऐसा वाला अपेरेंस, एक डेंट सा पड़ जाता है वैसा वाला अपेरेंस फ्ली बिटन अपेरेंस होता है, वो हमें दिखता है इन किडनी में बिकॉज ऑफ दिस हेमरेज। देन अनियन स्किन अपेरेंस, कैसे अनियन स्किन होता है, जैसे ऐसे अनियन, आपको पता ना अनियन को अगर हम काटे तो ऐसा दिखता है, गोल वाली शेप में अगर हम काटे तो ऐसा दिखता है, जैसे इंटिमा है, इंटिमा की थिकनिंग होती है वैसे वाला, इंटीमल थिकनिंग हो जाए तो ऐसा दिखता है इंटिमा। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स हमारे, क्लिनिकल फीचर्स, एक पर्क हमें पता है, एक वो होती है चॉकलेट होती है पर्क, उसके जैसे हम याद कर लो, PERK की जगह बस सी है, P
पी से आता है पैपिलरी एडीमा, पैपिलरी एडीमा, देन इज इंसेफेलोपैथी, देन इट्स रीनल फेलियर, एंड देन इट्स कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मैलिटीज़। तो ये सब चीज़ें होती हैं, क्लिनिकल फीचर्स में आ जाती हैं इसकी। 90% जो डेथ्स होती हैं वो होती हैं कि यूरेमिया की वजह से, 90% जो डेथ्स होती हैं वो यूरेमिया की वजह से होती है, यूरेमिया की वजह से रीनल फेलियर हो जाता है। 10% जो होती हैं, रीनल फेलियर हो गया तभी एक्चुअली यूरेमिया हुआ उसकी वजह से डेथ हो गई। 10% जो डेथ्स हैं वो किसकी वजह से, सेरिब्रल हैमरेज, क्योंकि हमें पता है कि हैमरेज हो रहे हैं तो सेरिब्रल हैमरेज हो जाता है, और कार्डियक फेलियर क्योंकि ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है, कार्डियक फेलियर। तो इन 10% सेरिब्रल हैमरेज और कार्डियक फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है। सो दिस वॉज अबाउट मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।